हेलो गाइस, वेलकम टू टेकिया सर यूट्यूब चैनल। एंड गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, वीवो ऑनलाइन मार्केट में अपना एक नया स्मार्टफोन जो है बहुत ही जल्दी लॉन्च करने वाला है, जिसका नाम रहने वाला है यहां पर वीवो T1 5G। फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव रहने वाला है। एंड आज की वीडियो में ये आपको इंडिया में कब देखने को मिलेगा, लॉन्च डेट आप सभी को पता होगा, लेकिन ये स्मार्टफोन के 100% कन्फर्म स्पेसिफिकेशन में आपको बताने वाला हूँ, एज वेल एज क्या प्राइस पॉइंट पर आपको देखने को मिलेगा, कंप्लीट डिटेल यहाँ पर देने वाला हूँ। तो कर देना वीडियो को लाइक, वीडियो का लाइक टारगेट रखते हम 3000 लाइक्स का। आई होप क्या पर आप कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर वीवो T1 5G की लॉन्च डेट के बारे में। तो इंडिया में वीवो इसे 9 फरवरी को लॉन्च करने वाला है। फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव रहेगा, ये ऑफलाइन वाला फोन नहीं है, ये सिर्फ आपको फ्लिपकार्ट देखने को मिलेगा। एंड स्पेसिफिकेशन की अगर हम बात करें, फर्स्ट लुक से लेके 100% कंफर्म यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। बिल्ड और डिजाइन की अगर हम बात करें, तो बैक पैनल आप देख सकते हो ऑफिशियली वीवो ने टीज कर दिया है, ग्रेडिएंट फिनिश में आपको देखने को मिलेगा। कैमरा लेआउट देखोगे रियलमी जैसा देखने को मिल रहा है, दिखने में फोन काफी सही रहेगा। अगेन यहां पर आपको पॉलीकार्बोनेट वाला देखने को मिलने वाला है। डिस्प्ले की अगर हम बात करें, तो मे भी आपको थोड़ा निराश कर सकता है, क्योंकि यहां पर आपको 6.58 इंच का एक वाटर ड्रॉप नॉच के साथ में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलेगा। आईपीएस पैनल रहने वाला है, एमोलेड नहीं रहने वाला है, तो ये चीज का आपको यहां पर ध्यान देना पड़ेगा। रैम एंड रोम की अगर हम बात करें, इंडिया में बताया जा रहा है आपको 3 वेरिएंट में देखने को मिलेगा, 4128, 6128 और 8128। आपको डुअल सिम तो मिलेगा, प्लस यहां पर आपको एसडी कार्ड स्लॉट भी देखने को मिलने वाला है, एज वेल एज यूएफएस 2.2 का स्टोरेज टाइप एंड LPDDR4X वाला रैम टाइप भी देखने को मिल जाएगा। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें, जो कि आप बोल सकते हैं स्मार्टफोन का बेसिकली हाइलाइटिंग फीचर है, यहां पर आपको स्नैपड्रैगन का 695 वाला 5G चिपसेट मिलेगा, जो कि 6nm टेक्नोलॉजी बेस्ड है। अब बहुत सारे अपकमिंग स्मार्टफोन पे आपको यही चिपसेट देखने को मिलेगा, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस यहां पर काफी अच्छी मिलेगी। 4 लाख के आसपास का आपका यहां पर एंटूटू स्कोर वगैरह भी देखने को मिलेगा, तो परफॉर्मेंस से यहां पर आपको कोई भी शिकायत नहीं होने वाली है। कैमरास की अगर हम बात करें, तो यहां पर अगेन आपको बैक में ट्रिपल लेयर कैमरे का सेटअप मिलेगा, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, देन 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा, देन 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा नहीं मिलने वाला है, साथ ही में 16 मेगापिक्सल का यहां पर आपको सेल्फी कैमरा दिया गया है। एंड्रॉइड वर्जन एंड यूआई की अगर हम बात करें, तो आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 12 देखने को मिलेगा, फ्रंट टच ओएस पे यहां पर ये रन करेगा। सेंसर्स यहां पर आपको सारे मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक का फीचर, 3.5 हेडफोन जैक का सपोर्ट भी मिलेगा, लेकिन बताया जा रहा है यहां पर आपको बॉटम फायरिंग सिंगल स्पीकर ही देखने को मिलने वाला है। बैटरी लाइफ की अगर हम बात करें, तो यहां पर अगेन आपको 5000 mAh की बैटरी मिलेगी टाइप सी पोर्ट के साथ में, एंड 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग को डिवाइस सपोर्ट करेगा, एंड 18 वॉट का चार्जर ही आपको बॉक्स में देखने को मिलने वाला है। तो गाइस, ये पूरे 100% कंफर्म स्पेसिफिकेशन जो है अपकमिंग वीवो T1 5G स्मार्टफोन के इंडिया वाले वेरिएंट में आपको देखने को मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं भाई, क्या प्राइस पॉइंट पे लॉन्च हो सकता है, कितने पे लॉन्च होना चाहिए। तो लॉन्च की अगर हम बात करें, तो वीवो ने तो ऑफिशियली बता दिया कि अंडर 20,000 रुपीज में यहां पर ही आपको देखने को मिलेगा। लीक्स की माने तो बेस वेरिएंट बताया जा रहा है 18,000 रुपए से यहां पर स्टार्ट हो सकता है, लेकिन मैं मेरी बात करूं, तो भाई अगर 18,000 रुपए के आसपास आता है, तो मेरे हिसाब से रियलमी एंड शाओमी इसको किल करके रख देंगे, क्योंकि आपको मालूम है रेडमी नोट 11 प्रो 5G सीरीज भी बेसिकली देखने को मिलेगी, रियलमी की 9 प्रो एंड 9 प्रो प्लस भी देखने को मिलेगा, कोई 20,000 रुपए के आसपास की कैटेगरी के रहेंगे, एंड इससे फार बेटर स्पेसिफिकेशन वो लोग यहां पर प्रोवाइड करा रहे हैं। तो वीवो को यहां पर अगर ऑनलाइन मार्केट में ये दोनों प्लेयर को बीट करना है, तो बीट तो मेरे हिसाब से स्पेसिफिकेशन वाइज तो ये लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर मार्केट में भाई ऐसा जमाना है कि हाँ भाई हम भी कुछ फोन लाए, सस्ते में लाए या वैल्यू फॉर मनी लाए, तो मेरे हिसाब से ये स्मार्टफोन जो स्पेसिफिकेशन अगर आप देखोगे, तो 16,000 रुपए तक के लॉन्च होता है, तब काफी बढ़िया ऑप्शन बन सकता है, या मैक्स टू मैक्स अगर 17,000 रुपए तक के लाते तब ठीक है, अगर उसके ऊपर जाता है 18-19,000 रुपए में अगर ये लोग लॉन्च करते, मेरा नहीं ख्याल वीवो यहाँ पर रियलमी एंड शाओमी के अपकमिंग स्मार्टफोन को बीट कर पाएगा। वैसे गाइस, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको वीवो T1 5G स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन कैसे लगे, क्या आप इससे निराश हो, क्या आपने यही एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्या आपको लगता है वीवो जो T1 5G के साथ में रियलमी की 11 सीरीज को या रियलमी की 9 प्रो सीरीज को बीट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, जो भी आपके ऑनेस्ट ओपिनियन है मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। सो आई होप कि हम सबको पसंद आई होगी, एंड गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।